ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। से सेंटर पर खड़े और आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है जो शासन द्वारा आपको दिया गया होगा आपकी नौकरी के दौरान? मैं आज लाना भूल गया हूँ। ऐसे कैसे भूल गए सर? आप बारहवीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षा चल रही है ना, मेरा बना हुआ नाम ही नाम है सर। आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? आप गेट पर बैठे हुए, आप रोकने बैठे हैं, क्या नाम है आपका सर? आपने 9 बजे से परीक्षा स्टार्ट हुई और 11:30 बज गए। आपका आप दूसरों को लोग रोक रहे हो, आपके खुद के पास कार्ड नहीं है। आप आइडेंटिटी, क्या नाम है सर आपका पूरा? संदीप कुमार बघेल। किस पद पर है अभी आप यहाँ पर? किस पद? माध्यमिक शिक्षा पद पे। माध्यमिक शिक्षा पद पे हैं आप अभी? यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं कि क्या है? पर्यवेक्षक हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप कुमार बघेल। कब से ड्यूटी लगी आपकी यहाँ पर? मेरी 2 दिन हो गए ड्यूटी। अच्छा, पहले नाम था मेरा, ठीक है, 3 जनों के नाम निकले, सेकंड कॉपी मेरा नाम था, ठीक है। बिना उसके ड्यूटी थोड़ी लग सकती, बिना नाम आया ड्यूटी थोड़ी लगी। तो सर ये सरकारी विभाग में आप आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गए सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे भूल गए आप? बिना आइडेंटिटी कैसे भूल गए? आइडेंटिटी कार्ड बना, बच्चे 5 मिनट लेट हो रहे हैं, आप एग्जाम नहीं देने दे रहे, उनका करियर खराब हो रहा है और आज आप खुद कार्ड नहीं लेके आए, इसका क्या मतलब? लेट होने का कारण ये है कि वही उसमें नियम लिखा हुआ, जो वो ठीक है, आपका कार्ड लाने का क्या नियम है और अभी हाल बनाने का क्या नियम है? अभी हाल आप कैसे बना के ले आएंगे? हम जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्जाम्स 5th of February से लगातार चालू हैं, 10वीं 12वीं के 5th of March तक ये एग्जाम्स चलेंगे हमारे। उसी के दौरान जो हमारे सेंसिटिव सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशली हमारे स्वाध्यायी बच्चों एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां पर ड्यूटीज़ लगा रखी हैं हमारे कलेक्टर के प्रतिनिधियों की, इसके अलावा CS की, ACS की, अलग से पटवारी भी लगा रखे हैं बहुत सारे सेंटर्स पे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है फ्लाइंग स्क्वाड्स के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। अभी तक कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी विषय नहीं निकल कर आया है, कहीं पर कोई संस्थागत रूप से चीटिंग हो रही हो, कहीं पर पर्चियां मिल रही हों या बोर्ड पे आंसर्स लिखवाए जा रहे हों। अभी तक काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर एग्जाम्स दिए जा रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था से अभी हम संतुष्ट हैं। ऐसे कोई संदिग्ध सेंटर्स की लिस्ट वगैरह या फिर ऐसा कोई मॉनिटरिंग हो रही है सर? बिल्कुल, सेंसिटिव सेंटर्स कहा जाता है, स्पेशली इसमें वो सेंटर्स आते हैं, पहला जहाँ पर पूर्व में इस प्रकार के चीटिंग के प्रकरण बने हों, और दूसरा जहाँ पर हमारे स्वाध्यायी छात्र परीक्षा दे रहे हों, उनको सेंसिटिव सेंटर्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। सर ये उन सब पे लगातार नजर बनाए हुए सर। नूतन स्कूल के बाहर बैठे पर्यवेक्षक के पास अपना परिचय पत्र भी नहीं है सर, वो कह रहे आज घर बोलिया। कई बच्चे यहाँ पर प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नकल का वो चलता है, तभी तो इतनी दूर से सेंटर यहाँ पर लिया गया है। ऐसे में सर विशेष अलर्ट होकर के जांच करने की आवश्यकता है सर। जैसा कि हमने बताया, जो स्वाध्यायी छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में जहाँ चाहें वहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, बट जैसा कि आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर बच्चे क्यों आ रहे हैं। इसीलिए जैसा कि आपको बताया, अधिक निगरानी यहाँ पर की जा रही है और किसी प्रकार से कोई चीटिंग का यहाँ पर मामला ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। सर थैंक यू।